नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, RRB ALP अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB ALP कैंडिडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट आया है। RRB चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट में RRB ALP इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो एडिशनल पैनल है वो जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जगह आप टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में RRB रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी RRB चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे आप RRB चेन्नई की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा CA नंबर 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर एडिशनल पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक किए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख पाएंगे CA नंबर 01/2018 एडिशनल पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 1 एंड 2 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फास्टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्प फ्रॉम 9/8/2018 टू 31/8/2018 एंड 4/9/2018 सेकेंड स्टेज CBT हेल्प फ्रॉम 21/1/2019 टू 23/1/2019 एंड 8/2/2019 एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्ड ऑन 10/5/2019 फॉलोड बाई वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 16/6/2019 टू 30/7/2019 एंड फॉर द एबसेंटी कैंडिडेट ऑन 13/8/2019 द फॉलोइंग 39 कैंडिडेट मेंशन बिलो आर बीइंग रिकमेंडेड प्रोविजनली टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउदर्न रेलवे चेन्नई फॉर अपॉइंटमेंट इन साउदर्न रेलवे अगेंस्ट एडिशनल वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे विल अंडरगो मेडिकल री एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाई द साउदर्न रेलवे। यानी कि दोस्तों, जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था ALP का CBT 1 CBT 2, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने के बाद यहाँ पे 39 कैंडिडेट को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है साउदर्न रेलवे में यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन दोस्तों, इन लोगों का ज्वाइनिंग से पहले फिर से एक बार मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद ही इन लोगों का जो फाइनल जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा। द रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन द लिस्ट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 70% ऑफ पार्ट ए मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज CBT 2 प्लस 30% एप्टीट्यूड मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। तो यहाँ पे दोस्तों, जो आपका रोल नंबर दिए गए कैंडिडेट का, वो अरेंज किया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जहाँ पे 70% मार्क्स जो है पार्ट ए में है और सेकंड स्टेज में आपका CBT 2 जो है उसमें आपका 30% मार्क्स जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में जो भी मार्क्स है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका पैनल लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का रोल नंबर, नेम, उसके साथ साथ उसका डेट ऑफ बर्थ दी गई है, कौन सा कम्युनिटी से कैंडिडेट बिलोंग करता है वो भी यहाँ पे दी गई है, और उसका जो कट ऑफ मार्क्स गया है वो कट ऑफ कितना मार्क्स है वो मार्क्स यहाँ पे दिए गए, और रिकमेंडेड कौन सा कम्युनिटी में किया है वो भी यहाँ पे दी गई, आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें 31 कैंडिडेट जो है वो आपका कैटेगरी नंबर 1 यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है असिस्टेंट लोको पायलट। और दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो 38 कैंडिडेट जो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दोस्तों भेजा गया है साउदर्न रेलवे में। इन लोगों का फिर से मेडिकल एग्जाम होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेचर ऑफ द ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन दिस एडिशनल पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड लायबल टू बी कैंसिल इन केस ऑफ एनी इनकॉन्सिस्टेंसी और डेफिशिएंसी इन द डेटा फर्निश्ड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ DV और एनी मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स कमिंग टू द नोटिस RRB एट एनी स्टेज ऑफ देयर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट प्रोसेस। यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी और डेफिशिएंसी मिलता है तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी टाइम पे। यहाँ पे दोस्तों DV के टाइम पे या तो फिर आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन दिए थे उसमें अगर कहीं आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे तो आपका यहाँ पे कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका फिर से जो है मेडिकल और DV जो है मेडिकल जो है यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा साउदर्न रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ, एंड ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी चेक्ड वन सेकंड। यानी कि दोस्तों, आपका जो भी सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करने के टाइम में बताया था वो सभी सर्टिफिकेट फिर से यहाँ पे चेक किया जाएगा, और उसके साथ साथ वैकेंसी आर लायबल टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग दिस प्रोफेशनल पार्ट पैनल RRB चेन्नई रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट एरर और टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। तो यहाँ पे दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे एडिशनल पैनलिस्ट में नाम दिए गए उन सभी कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ कम्युनिटी जो है और उसका जो मार्क्स है यहाँ पे दी गए, आप जाके चेक कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।